से, इंडिया नाम से क्या दिक्कत है भाजपा को? नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ना, तो पूरे भारत हम समझना चाहते हैं कि ऐसा, मैं बता रहा हूँ क्यों, भारत तो पहले से ही था, भारत माता की जय बोली जा रही है 1947 से, तो फिर इसमें इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, तो हम अंग्रेजों का क्यों ले, कुछ अंग्रेजों को हमने भगा दिया 1947 में, गांधी जी ने भगा दिया, तो हम अंग्रेजों को क्यों रखे अपने पास? हाँ खर्च बहुत होगा, इतने पैसे आप हॉस्पिटल में लगा दो, इतने पैसे रोजगार देने में लगा दो जनता को। रोजगार तो मिला है, अब आप लोग कहिए रोजगार नहीं मिला, वो तो गूगल पे गलत दिखाता है। भारत को तोड़ने का काम हो रहा है, भारत की महिलाओं को सड़कों पे घुमाया जा रहा है, आप कौन से परिवार की बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? नहीं है तो ये बताएं अभी, अगर वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है तो बताइए मणिपुर भारत का हिस्सा है कि नहीं है? अगर वो भारत मणिपुर का हिस्सा है तो बताइए उन बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? दो मिनट के लिए आके टीवी में भारत के प्रधानमंत्री, वो शेर जिनको भाई साहब बोल रहे शेर है, कम से कम दो माताओं की लज्जा के लिए बोल देते, ये गलत हुआ है, बहुत बड़ी बात होती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राजस्थान में कौन लिंगे लेडी से घुमाया गया, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? उन जाना चाहिए ना प्रियंका गांधी, क्यों नहीं जाना चाहिए प्रियंका गांधी को? राहुल गांधी को भी जानना चाहिए, एक पॉइंट बोले बोले कुछ हो, राहुल गांधी भी नहीं बोले। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? इनके यहाँ मनमोहन सिंह ने छोड़कर सबने पैसे बनाए, सबने बड़े बड़े स्कैंडल करे, ए जी घोटाला, वो जी घोटाला, कोयला घोटाला, टोटी घोटाला, चारा घोटाला, वो घोटाला, चिज्जा जी घोटाला। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अभी ये क्या कर रहे हैं, अब कागजबंदी के नाम पर ये देश को घुमाना चाहते हैं 2024 में, क्योंकि इनकी हालत ख़राब है। आप समझते हैं कि भारत किसी भी भारत इंडिया से हटा के भारत करोगे, सारे नोटों पे इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ी बड़ी सब चीज़ों पे लिखा, सारे नोट्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट को नोटरी के पेपर्स होते हैं, एवरीथिंग इज रिटन बाय द इंडिया। खर्चा तो बहुत है इसमें सर, इसमें ये खर्च कर तैयार है, ये तो 40,000 करोड़ करके अपनी ब्रांडिंग करा रहे हैं। इंडिया नाम से क्या दिक्कत है भाजपा को? नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ना, तो पूरे भारत हम समझना चाहते हैं कि ऐसा, मैं बता रहा हूँ क्यों, भारत तो पहले से ही था, भारत माता की ही जय बोली जा रही है 1947 से, तो फिर इसमें इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, तो हम अंग्रेजों का क्यों ले, कुछ अंग्रेजों को हमने भगा दिया 1947 में, गांधी जी ने भगा दिया, तो हम अंग्रेजों को क्यों रखे अपने पास? हाँ खर्च बहुत होगा, इतने पैसे आप हॉस्पिटल में लगा दो, इतने पैसे रोजगार देने में लगा दो जनता को। रोजगार तो मिला है, अब आप लोग कहिए रोजगार नहीं मिला, वो तो गूगल पे गलत दिखाता है। करते हो बच्चा, बताओ जल्दी बताओ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी मैं, बेरोजगार है ये बेरोजगार है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बेरोजगार है ना, तो नहीं है, पूछ लो पांच सात साल लग जाते हैं, और उसके बाद पैसा दे के लोग, अभी हुआ पटवारी का कितना बड़ा कांड हुआ मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है राजस्थान में, किसकी है, क्या कांड हुआ हमें मालूम नहीं, आप और यहाँ पे ममता बनर्जी के यहाँ भाजपा के सांसद को वहाँ नंगे घुमाया गया, ममता बनर्जी की सरकार में जनता घुमा रही है कि सरकार घुमा रही थी, ऐसे काम करोगे तो जनता तो तोड़ेगी ना, नंगे घुमाएगी जनता, जनता के पास नंगे घुमा देगी किसी को, जब महिलाएं को घुमा रहे थे तब तुम्हें बड़ा सम्मान लग रहा था, सम्मान नहीं लग रहा, तब तुमने आवाज नहीं उठाई, तब तुमने आवाज नहीं उठाई। मणिपुर में एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, एक्शन लिया गया, क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ वहाँ पे, राष्ट्रपति शासन लगा कि नहीं लगा, राष्ट्रपति शासन से क्या होता है, तो हमारे महिलाओं में यही है कि जहाँ सरकार काम नहीं कर पाएगी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, सरकार इन्हीं की है, ये खुद ही बोल रहे हैं, सरकार बीजेपी की थी मणिपुर में, उनकी सरकार काम नहीं कर रही थी, अब जिसको लेके आए वो पूरे भारत ने देखा है, पूरे भारत ने ही देखा, इंडिया ने नहीं देखा, रुको रुको सुनो, किसने देखा, जब महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे थे और चंद लड़के मार रहे थे, कौन से नशे में थे वो, कि उनको कुछ लाज हिजम नहीं है, वो कौन सा भारत बना रहे थे, आप ये बताइए क्या वहाँ पे खड़े हुए पुल वही जो राष्ट्रपति शासन के लोग नहीं होते, सिपाही और पुलिस उन्हीं के हाथ पे तो आता है, जवाब लेते हैं, तो मुझे आप ये बताइए वहाँ पे करना क्या चाहिए था हमें मणिपुर में, आप बताइए, आप राय दीजिए क्या कर सकते थे वहाँ पे, क्या एक्शन, कम दो मिनट के लिए आके टीवी में भारत के प्रधानमंत्री, वो शेर जिनको भाई साहब बोल रहे शेर है, कम से कम दो मिनट माताओं की लज्जा के लिए बोल देते, ये गलत हुआ है, बहुत बड़ी बात होती, पर तुम बोले थे आके बोले हैं आप न्यूज उठा के देखिए, आके बोले हैं, बोला है कितने दिन बाद तो विदेश दौरे पे थे वो, तो अब वहाँ से विदेश से लाइव आके बोलेंगे, विदेश दौरे पे थे वो, विदेश में ही तो बोलते हैं वो, विदेश में जाके बोलते हैं वासुदेव कुटुंबा है, गांधी जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते, और यहाँ आके गौड़सों के साथ में और सीधा उधर क्या बात करते हैं, 74 दिन बाद 75 दिन बाद बोलने के बाद, लोगों के उकसाने के बाद, वो अगर एक सेकंड 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसका मतलब उनके लिए वो जगह
या उन पर बोलना ही नहीं चाहते, बोलना ही नहीं चाहते। महिलाएं 55% हैं, परंतु सबसे ज्यादा अत्याचार की वही है। सारी योजनाएं बताइए महिलाओं के नाम पे बड़ा चढ़ा के ले रहे हैं, अभी उन्हीं के लिए ले रहे हैं, उनको खुश करने के लिए, और अत्याचार भी उन्हीं पे सबसे ज्यादा। ये कौन सी सरकार है यार? पता ही सर, जवाब दीजिए कि वो बोलना ही नहीं चाहते महिलाओं के नाम पे भी फ्रॉड का। बोले तो आप क्या बोले और क्या बोले, एक्शन भी लिए, बोले भी हैं, मालूम है हमें सब। बोले नहीं आप देखे नहीं, बोले कि नहीं बोले, आप स्वीकार नहीं चाहते। राजस्थान में कौन लिंगे लेडीज को घुमाया गया, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? उन जाना चाहिए ना प्रियंका गांधी, नहीं जाना चाहिए प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को भी जानना चाहिए। एक कौन बोले, बोले कुछ हो, राहुल गांधी भी नहीं बोले हैं। और उसके बाद अभी बंगाल में हुआ था, ममता बनर्जी भी चुप जी, आप वहाँ पर बोलने चालू कर दी हैं, बोलिए जवाब दीजिए, अपना भी सवाल पूछ लीजिए। बंगाल में भी सांसद को घुमाया गया नंगे, तो वहाँ कुछ नहीं बोले आप, वहाँ पर वहाँ पे सरकार कुछ नहीं बोली, आप गलती मानेंगे कि नहीं? केवल मणिपुर पे सवाल भागे, सब पे बेहाल, मतलब बीजेपी गलत कर रही, कुछ भी गलत हो रहा है, इनके अकॉर्डिंग कुछ भी गलत, जवाब ही नहीं ले रहे। मणिपुर के खाली कांड उठाने से नहीं होगा, आप राजस्थान के उठाए। कल नैना सानी कांड किया था, सुशील शर्मा ने उस लेडीज के एक एक हाथ काट के उसमें तबूरे में जलाई गई थी। केवल बीजेपी में सवाल होगा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट था सुशील शर्मा, एक एक अंक काटा था लेडीज का, नैना सानी का। यस, कहा थे तुम? अब सुनिए, कहा थे तुम? वही सुशील मोदी था, महिला पे अत्याचार किया, पूरा न्याय हुआ संविधान के साथ, जेल के अंदर है, कहाँ है पता कर लो। आप बताइए, मैंने महिला की बात की थी, मैंने मणिपुर की महिला की बात की थी, मैंने कलकत्ता और उसकी बात नहीं की, महिला की बात कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ महिला चाहे राजस्थान की हो चाहे आपके सांसद की हो, पर आप भारत की महिला, आप मैंने बनाई है सर, कह रहे हैं देखिए मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ सारी। फिर राजस्थान के तो महिला के, तब प्रियंका गांधी बोलती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहती कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो प्रियंका गांधी के जाना चाहिए ना, वो महिला के बाद मिलना चाहिए। बीजेपी के सरकार के क्यों रोक दिया गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हर सवाल के जवाब देगा। नहीं नहीं, नहीं वो है वो लेडीज का, ये भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ जी, ऐसा कह रहे हैं, मैंने महिलाओं की बात की। प्रधानमंत्री ने इतने स्टेट, इतने राज्य, इतने डिपार्टमेंट देखने होते हैं, अपने कैबिनेट मंत्रियों पर निगाह रखता है वीर विक्रमादित्य की तरह, कोई घपला तो नहीं कर रहा, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, कोई मंत्री पैसे तो नहीं बना रहा। इनके यहाँ मनमोहन सिंह ने छोड़कर सबने पैसे बनाए, सबने बड़े बड़े स्कैंडल करे, ए जी घोटाला, वो जी घोटाला, कोयला घोटाला, टोटी घोटाला, चारा घोटाला, वो घोटाला, चिचा जी घोटाला, बड़े बड़े घोटाले कर दिए कांग्रेस। ये देखो, राजस्थान में, हरियाणा में दोनों मुख्यमंत्रियों ने रॉबर्ट वाड्रा के नाम जमीन कर दी, और वो जो मार्केट रेट थे ना, फिर वो बेच के निकल गया। रुके, और भी लोगों की बात सुनते हैं, रुके, घोटाले निकल। हाँ जी, हाँ जी, देखिए जो भी ये बात कर रहे हैं ना, मोदी जी एक ईमानदार हैं, बाकी मंत्री ईमानदार नहीं है। उनके घोटाले जैसा भी इन्हें गिनवाए ना, वो जब सरकार चली जाएगी, जब पकड़े जाएंगे, जब मोदी जी बोलते तो है नहीं मणिपुर में, बोलते नहीं है मणिपुर में, बोलते नहीं है, और जो और भी जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है कुछ नहीं बोलते। उनको बोलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान जरूरी है, और महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसलिए मोदी जी को बोलना चाहिए। और कांग्रेस करती है महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय किया जिन्होंने, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया मणिपुर में, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और वहाँ की सरकार को भी, मोदी जी को खुद मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए, जो मुख्यमंत्री अभी वीरेन सिंह जी, उनको हटाना चाहिए। ये बताइए कांग्रेस करती है महिलाओं का सम्मान राजस्थान में या फिर और भी जो जगह है? देखिए कांग्रेस करती है नहीं, वो अंदर है, बंगाल में जो हुआ था वो लोग भी अंदर हैं, पर तुम्हारे क्यों बाहर घूम रहे हैं, तुम क्यों मौन रह के समर्थन दे रहे हो? यानी कि तुम्हारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है, भारत को तोड़ने का काम हो रहा है, भारत की महिलाओं को सड़कों पे घुमाया जा रहा है। आप कौन से परिवार की बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी पूरे भारत के प्रधानमंत्री है कि नहीं है? नहीं है तो ये बताएं अभी। अगर वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है तो बताइए मणिपुर भारत का हिस्सा है कि नहीं है? अगर वो भारत मणिपुर का हिस्सा है तो बताइए उन बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए थे कि नहीं होना चाहिए?